हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी मेथी के परांठे की रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे बहुत ही कम समय में। तो यहाँ पे मैंने 2 गट्ठी मेथी ली है और इसे अच्छे से साफ कर ली है। बिल्कुल पत्ते पत्ते रखे हैं, जो डंठल थे उन्हें मैंने तोड़ दिए हैं। डंठल नहीं रखने हैं क्योंकि डंठल से परांठे हमारे टाइट बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पूरी तरीके से डंठलों को निकाल दिए हैं और पत्ते पत्ते रखे हैं। अब इसे हम 2-3 बार पानी में धो लेंगे, जिससे इसकी मिट्टी वगैरह रहती है इसमें वो निकल जाएगी और बहुत ही हेल्दी परांठे बनाएंगे हम। और आपको मैं बताऊंगी, सॉफ्ट भी बनेंगे और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। लेकिन आप पूरा वीडियो को देखना। आप इन परांठों को 1 से 2 दिन तक भी रख सकते हैं, सफ़र में भी ले जा सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से धो लिए 2-3 बार पानी में और इन्हें निकाल लेती हूँ, मेथी को इसमें से। तो इस तरीके से हम इस चलनी में निकालेंगे, क्योंकि चलनी में निकालेंगे तो इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी रहेगा, वो निकल जाएगा। पूरी मेथी मैंने निकाल ली है, अब इसके अंदर डाल देती हूँ और इसको अच्छे से एक बार ऐसे आज से लाएंगे, जिससे क्या जो भी पानी होगा नीचे चल जाएगा। और इसको मैं करीब 20 मिनट के लिए सुखा देती हूँ। तो मैंने उस मेथी को सुखा दी है और यहाँ पे अब जब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी, 20 मिनट में उसका पूरा पानी सूख जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और अदरक का टुकड़ा लिया है और मिक्सी का जार लिया है। तो इसके अंदर हरी मिर्चियों को हम डाल देंगे छोटे छोटे टुकड़े करके। आप चाहे तो इसके 2 टुकड़े करके भी डाल सकते हो मिक्सी में, वैसे भी ग्राइंड करने हैं। और 2 अदरक के टुकड़े डाले हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका बारीक सा पेस्ट बनाएंगे। तो पहले हम इसका पेस्ट बना लेते हैं, बाद में और भी मसाले डालेंगे। तो ये अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 चम्मच साबुत जीरा, मतलब कच्चा जीरा, और 1 चम्मच ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे साबुत धनिया, और इनको भी हम पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जीरा और धनिया को बारीक पीस लिया है। अब इसे हम रख देंगे साइड में और मेथी को देखेंगे। तो देखिए, मेथी हमारी 20 मिनट में अच्छे से सूख गई है। मैंने फैन के नीचे सुखा दी थी और कपड़े पर डाल दी थी। अब इसे हम काट लेंगे। यदि आप गीली मेथी को काटोगे तो परांठे थोड़े कड़वे हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से सुखा ले, और या फिर शाम को ही धो के रख दे, सुबह सुबह में काट के और परांठे बना ले। तो आपसे जितना बारीक हो सके उतना ही बारीक काटे, क्योंकि जितना बारीक काटोगे उतने अच्छे परांठे दिखेंगे आपके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस तरीके से मेथी को काट लिए और बहुत ही बारीक काटी है। आप भी इस तरीके से बारीक काट ले, और इसको हम रख लेंगे साइड में। और इसी तरीके से मैंने पूरी मेथी को काट ली है और इसके अंदर में दाब के भरी है, क्योंकि मेथी थोड़ी ज़्यादा थी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप आटा। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर बारीक कटा हुआ 1 मीडियम साइज का प्याज, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल डाला है, और जो पेस्ट बनाया है उसको भी डाल दिया है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है, उस समय कैमरा बंद हो गया था। अब इनको अच्छे से मिलाएंगे। और ये मैं डाल रही हूँ अजवाइन, तो अजवाइन को मैं अच्छे से मिसड़ के डालूँगी, जिससे क्या बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब अच्छे से मिला लिए है। और ये मैं डाल रही हूँ अब मेथी, तो मेथी को पूरी को डाल देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे। अच्छे से मिलाने के बाद में ये हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है, क्योंकि मेथी में भी पानी रहता है, इसलिए पहले अच्छे से मिला लेना है और उसके बाद में पानी डालना है, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी, पानी एक साथ में नहीं डालना है, और इसका आटा थोड़ा टाइट ही गूँधे, क्योंकि बाद में अपना गीला गीला जैसा हो जाता है, क्योंकि मेथी में पानी रहता है इसलिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बाजू में जो घंटी है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे क्या सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँगी सबसे पहले आपके पास आएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अच्छे से मेथी का आटा गूँध लिया है पराठे के लिए। बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे, आप आटे को अच्छे से गूँध लेना है। तो देखिए, यहाँ पर आटा हमारा तैयार है। अब हम तोड़ेंगे इसमें से एक छोटा सा लोया, इस तरीके का, ज़्यादा बड़ी साइज़ का नहीं लेना है, इतना ही लेना है। इससे ही आपके पराठे बहुत अच्छे बनेंगे, ना ज़्यादा छोटा है ना ही ज़्यादा बड़ा है, मीडियम साइज़ का ही लेना है। ऊपर से मैंने सूखा आटा लगा लिया है। अब इसकी हम इस तरीके से रोटी बना लेंगे, एक जैसे हम रोटी बनाते उसी तरीके से। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स, आपको गोल पराठे बनाने हैं तो इस तरीके से हम बना सकते हो, लेकिन मैं बनाऊँगी 3 कोने वाले पराठे। तो मैंने ऊपर से यहाँ पर घी लगाया है। अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और इसके ऊपर भी घी लगाएंगे। इस तरीके से घी लगाएंगे ना, तो पराठे इतने अच्छे बनेंगे आपके, और एकदम अलग अलग हो जाएंगे बनाने के बाद में। अब इसे भी हम पलट लेंगे। अब इसको हम बेलेंगे ऐसे, और अभी मैंने सूखा आटा नहीं लगाया है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा।
तो आप हल्के हाथ से ही बेलें, क्योंकि ये नीचे से नहीं चिपके। तो मैंने अच्छे से बेल लिया है, अब इसे हम साइड में निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं एक और पराठा बना लूँगी, और यहाँ पे मैंने तीन पराठे बना लिए हैं। अब लेके चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे पैन गर्म हो गया है, मैंने पहले ही रख दिया था पैन को, और इसके ऊपर रख दिया पराठा, मतलब पराठा डाल दिया है। अब इसको हम तुरंत ही नहीं पलटेंगे, थोड़ा सिकने के बाद में पलटेंगे। तो अभी मैं इसे पलट लेती हूँ, और फिर हम नीचे से सेक लेंगे एक बार, और उसके बाद में पलटने के बाद में इस पर घी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, घी की जगह आप यहाँ पे तेल भी डाल सकते हो, कोई भी कुकिंग ऑयल। अच्छे से हम घी लगाएंगे चारों तरफ, और बहुत ही अच्छे से सेकेंगे, और इसको दबाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। ऐसे ही पराठे बहुत जल्दी सिक जाते हैं। और आप चाहे तो आटा गूंदते समय पराठों में तिल भी डाल सकते हो, बाइट वाले, लेकिन मैंने यहाँ पे तिल स्किप किए हैं, क्योंकि हम तिल नहीं खाते, बहुत ही कम खाते हैं, कभी तो मैं नाश्ते में तिल डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पराठे को अच्छे से सेक लिया है, अब इसे निकाल लेंगे, और इसी तरीके से मैं बाकी के पराठे भी बना लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सभी पराठे यहाँ पे बना लिए हैं। यदि आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और मुझे कमेंट्स करके बताना कि मेरी पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी है। बाय बाय, टेक केयर।